सिंध में एपेक्स कमेटी का इजलास 5 जनवरी को तलब कर लिया गया है। इजलास कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के तनाजुर में बुलवाया गया है। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर गौर किया जाएगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद है। तलहा, बताया गया इस इजलास के बारे में? देखिए, एपेक्स कमेटी का 28वां इजलास है जो कि 5 जनवरी को तलब किया गया है और ये तकरीबन 8 माह बाद हो रहा है। इससे कबल एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ था गुज़श्ता साल 13 मई को हुआ था। जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि एपेक्स कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में होने वाली कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों के तनाजुर में किया गया। उसमें मजीद कुछ फैसले किए गए हैं, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और उसमें मजीद कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं जिस पर होगा। ये 4 इजलास हैं, सिर्फ 2 सालों में हो पाए हैं। इससे पहले जो इजलास बड़े तवातुर से होते थे, लेकिन जब से अमन अमान की सूरत बेहतर हुई थी उसके बाद ये इनकी जो कंटिन्यूटी थी वो रुक गई थी। सिर्फ इससे पहले 25वां इजलास 25 जनवरी 2021 को हुआ था और उसके बाद 26वां इजलास जो हुआ था 29 जुलाई 2021 को हुआ था। 2 सालों में 4 इजलास, 4th इजलास है जो कि अभी होने जा रहा है और इसमें तमाम जो अहदेदारान हैं और हुकाम है उनको बुला लिया गया और 5 जनवरी को इजलास होगा वज़ीर-ए-आला सिंध के सरबराही में। जी, बहुत शुक्रिया तलहा, आपने अपडेट किया।